कहते हैं ना, किसी का करियर बनाने में सालों लग जाता है लेकिन बिगड़ने में सिर्फ एक पल। समय का सिर्फ एक हिस्सा ही काफी होता है। वही हो रहा है आजकल ईशान किशन के साथ, भारतीय युवा लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन। ऐसे तो ईशान किशन बिहार के पटना से हैं, लेकिन इनका सारा खेल खेला हुआ रांची में। झारखंड के रांची से ये खेल कर बड़ा हुए और झारखंड के लिए ही खेलते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में ईशान किशन के साथ जो जो हुआ है ना, ऐसा उससे लग रहा है कि ईशान किशन का क्रिकेट का करियर कुछ लोग साजिश के तहत जानबूझकर खत्म करना चाह रहे हैं। ईशान किशन का करियर का लोग जानबूझकर गला घोट रहे हैं। तो आइए आज का हम इस वीडियो में शुरू से समझते हैं कि ये चीज की शुरुआत कैसे हुआ। नमस्कार, मैं हूँ फेमटेज। आज के इस फेमटेज के जुबानी एपिसोड 2 को लॉन्च कर रहा हूँ। अगर आप फेमटेज पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईशान किशन क्रिकेट में तब चमके जब 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी लगा दी। उस समय ईशान किशन सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी मारने वाले बल्लेबाज बन गए थे। उस समय के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन का किस्मत ही बदलने वाला है। कुछ हुआ भी ऐसा, ईशान किशन को अब मौके मिलने लगे। लेकिन सुमन गिल के आते ही ईशान किशन को फिर से टीम से बाहर कर दिया गया। और जब एशिया कप स्टार्ट हुआ तो उसमें ईशान किशन को शुरुआती मैचों में मौका मिला, लेकिन जैसे केएल राहुल का टीम में वापसी हुआ, ईशान किशन का फिर से हो गया छुट्टी। जिसके बाद शुरुआत होने वाला था ओडीआई 2023 का वर्ल्ड कप, जहां पर ईशान किशन को 15 सदस्य टीम में जगह तो मिल गया, लेकिन क्या प्लेइंग 11 में जगह मिलेगा इसका भी निश्चित होना बाकी तय। तो तब हुआ जब सुमन गिल का डेंगू हो गया और वर्ल्ड कप के आने वाले कुछ मैचों से बाहर हो गए, तब ईशान किशन को टीम में मौका मिला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही गेंद पर आउट हो गए। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ भी 47 बॉल पर 47 रन बनाकर शानदार पारी खेला। लेकिन सुमन गिल जैसे ही डेंगू से ओवरकम किए, वैसे ही ईशान किशन को टीम से बाहर कर दिया गया और पूरे वर्ल्ड कप में ईशान किशन बेंच पर ही बैठे रह गए, पानी पिलाते रह गए टीम को। शुरुआत के 2 मैचों के बाद ईशान किशन को कभी टीम में मौका मिला ही नहीं। उसके बाद यंग टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर ईशान किशन को शुरुआती ओनली 3 T20 मैच ही खिलाया जाता है और अगले दोनों T20 मैच से ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचों का ऐलान हुआ, जहां पर ईशान किशन का नाम ही नहीं था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचों में सारे के सारे यंगस्टर को मौका दिया गया था, लेकिन फिर भी वहां पर ईशान किशन का नाम नहीं मिला। उसके बाद सीनियर टीमों का जब सिलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI फॉर्मेट के लिए, तो वहां पर ईशान किशन का नाम था लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला। अब तो ईशान किशन बहुत ही ज्यादा चिढ़ सा गए थे। वो बोले कि जब सीनियर के साथ सिलेक्शन होता तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलता और जब जूनियर का टीम बना तो वहां टीम में ही जगह नहीं मिलता। ऐसे में आने वाले टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐलान होने से पहले ही ईशान किशन मेंटल फटीग बोलकर वहां से वापस आ गए। और फिर सुनने में आता है कि ईशान किशन दुबई में किसी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं। और इधर बीच एक सोर्स से पता चला है कि ईशान किशन हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर मुंबई में IPL के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी दौरान राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन के लिए बोला था कि जाओ रणजी खेलो, रणजी में परफॉर्म करो, उसके बाद टीम में शामिल किया जाओगे। लेकिन ईशान किशन ने राहुल द्रविड़ के इन बातों को इग्नोर कर दिया। उसी बीच एक खबर ईशान किशन के तरफ से भी निकल कर आती है कि ईशान किशन उस बात से गुस्सा थे जब जितेश शर्मा को टीम में शामिल कर लिया गया और ईशान किशन को सिलेक्शन कमेटी इग्नोर करने लगा। इस बात से ईशान किशन काफी ज्यादा खफा थे। उसी दौरान BCCI ने एक रूल निकाल दिया कि अगर टीम इंडिया में खेलना है तो रणजी मैच भी खेलना होगा। जो खिलाड़ी मिनिमम 3-4 रणजी मैच खेलेगा वही टीम इंडिया में आने के लिए हकदार होगा। IPL ही काफी नहीं होगा टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए, टीम इंडिया में आना है तो रणजी में परफॉर्म करना ही होगा। और इधर बीच BCCI ने ईशान किशन समेत श्रेयस अय्यर को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है, जिसके बाद हर तरफ ये खबर फैलते जा रहा है कि ईशान किशन के करियर को खत्म करने के लिए BCCI में बैठे कुछ लोग ये साजिश रच रहे हैं। वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक खिलाड़ी खेल से ऊपर नहीं हो सकता, उसे खेल के हर नियम को मानना ही चाहिए। तो वहीं कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि ईशान किशन ने अपने आप को खेल से ऊपर समझ लिया था, उसने कुछ राहुल द्रविड़ के बातों को इग्नोर करके बहुत बड़ा गलती कर लिया, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। ऐसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फेमटेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मिलेंगे किसी और नेक्स्ट एपिसोड में।